अरे बाहर तुझे बनाऊंगा पहलवान। अरे सरदार जी के सिर पे बैठता है, सरदारों के सिर पे झूठ बैठते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बाबा मोहन राम की, बोलो सांचे दरबार की। बोलो शास्त्रीय अकाल। जो बोले सो निहाल, बोले बोलना चाहिए था यार। गुरु गोरखनाथ की जय। फिर आएगा है, करेगा दुखी। कितने साल से रहता है इसका, इसके अंदर कितने साल से भेजा है किसी ने तुझे? भेजा है ना, कितने साल से रहता है तुझमे? 20 साल से। शास्त्रीय अकाल। एक सारे गर्दन नीचे, इसका उतारा नहीं होता भैया, पीछे ही रखना भाई, खड़े हो जाओ सर। क्या होता है बताओ? सिर भारी रहता है, कब से? डॉक्टर को नहीं दिखाया, दवाई पता नहीं चलता। सबसे पहले आदमी अपने पूरे इस जगत में, इस वर्ल्ड के अंदर जब उसको ऐसी कोई भी बाधा हो जाती है तो वो जान नहीं पाता है मुझे हुआ क्या। सबसे पहले वो पढ़ा लिखा होने के नाते, इंसान होने के नाते कहाँ जाता है? डॉक्टर के यहाँ जाता है। डॉक्टर उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता, केवल दवाइयाँ देता रहता है। या तो उसको निद्रित किया जाता है, बेहोशी की दवाई दी जाती है। ऐसे ही आपको माइग्रेन बताया कि नहीं? हाँ। आपको फिर डिप्रेशन बताया कि नहीं? आपको फिर सर्वाइकल बताया कि नहीं? तीनों बीमारियां इसको बता दी गई और सरदार जी का एक दिन से इलाज नहीं चल रहा। ठीक है, हमारे जीवन बहे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक प्रेत है, वो मामूली सा तत्व है, वो हमें घुमा रहा है। आदमी को पता ही नहीं चलता उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो कष्ट में है बेचारा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कितने सरदारों के धर्म बदले जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे ग्रुप काम कर रहे हैं कि वो शैतानों को निकाल रहे हैं। वो प्रेत है वो, जिसको शैतान कह रहे हैं, और वो हिंदू है, वो अंदर हिंदू ही बोल रहा है उसके, वो कोई मुस्लिम या सिख वो नहीं बोल रहा है, क्या कहते, क्रिश्चियन नहीं बोल रहा है। तो वो क्रिश्चियन निकाल रहे हैं उस शैतान को जो हिंदू है, तो हिंदू के अंदर तो हिंदू प्रेत ही तो आएगा, शैतान कहाँ से आएगा? हम तो प्रेत कहते हैं उसको जिसको वो शैतान कहते हैं। हमारी मूर्खता कितनी, हम कहाँ तक गल गए हैं। अपने समाज को नहीं जानते, अपनी विधियों को नहीं जानते, अपनी रीतियों को नहीं जानते। अरे सभी मान रहे हैं भाई, अरे क्रिश्चियनों में जीसस ने, जीसस क्राइस्ट ने शैतान निकाले हैं केवल शरीरों से, और उनके शैतान निकालने से चमत्कार हुए, लोगों के रोग ठीक हो गए, कोई चलने लगा। मनु भैया के यहाँ भी चले हैं कि नहीं चले हैं? बोलो हाँ के ना। कोई ऐसा लगा कि मर गया, जी गया, ऐसा हुआ कि नहीं? फिर कोई बेहोश हो गया, वो बेहोशी से अचानक जाग गया, ऐसा हुआ कि नहीं? बहुतों की पेट की रसौलियाँ ठीक होगी कि नहीं? बहुतों के कमर दर्द सर दर्द ठीक हो गए कि नहीं? जोर से बोलो ना। फिर और जब हुए हैं तो ये देखो, उस होने में हम फिर भी नहीं मानते कि हमें प्रेत बंधा है, तब हम कहते हैं, जब ये शब्द आता है प्रेत, तब हम मुस्कुरा के कहते हैं ये तो ढोंग है, ढकोसला है, अंधविश्वास। अरे पशुओं, ये ढोंग ढकोसला अंधविश्वास नहीं है, जिसकी जिंदगी लील जाती है ना, समझ लो, अभी भी तुम्हें चेक कर लो, बैठ के भगवान का नाम ले लो मानसिक, क्या पता तुम भी खेल पड़ो और तुम्हारी जो ये ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास वाली बात है ना, ये धरी की धरी रह जाए। पता चले तुम्हारी जिंदगी को डॉक्टर लील जाए इससे पहले, पता चले तुम्हारा एलोपैथी पे 10-20 लाख रुपया लग जाए कि नहीं इससे पहले, बताना सरदार जी कितना पैसा आज तक लग गया? कितना? 20 लाख रुपया लग चुका होगा। आया समझ, आज पहली बार आए, आएंगे 7-8 बार, हम विश्वास दिलाते हैं ठीक हो जाएंगे,
इनको आराम पड़ेंगे, अपना जीवन फिर से बेहतरी के साथ जी पाएंगे। अभी अपने इस निजी जीवन में क्या नहीं कर पाते, जैसे विचार ठीक से नहीं कर पाते हो सर, हमेशा बंधा बंधा सा लगता है, काम नहीं कर पा रहा कोई, काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी काम में जो है अपनी एकाग्रता नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, परिवार में सेटल नहीं हो, सेटल भी नहीं हो पा रहे हैं, जीवन बाहर सा जाता है, और पत्नी और बच्चों को कमा के नहीं खिला पा रहे हैं, है पत्नी बच्चे हैं, अभी शादी नहीं, लेकिन अगर होती तो यही स्थिति होती कि नहीं, तो अपना नहीं चल रहा तो उनका क्या करते, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस अवस्था में पड़े और कहते हुए शर्माते हैं कि हमें प्रेत मान है। अरे प्रेत के लिए शर्माना थोड़ा ही ना है, वो तो बिंदी जितना तत्व है, ठीक है, वो बस शरीर में बैठा है, घूम रहा है शरीर में, हमें दर्द दे रहा है, हमें कष्ट दे रहा है, हमें उसको निकालना है, वो एक ऊर्जा है, वो निगेटिव ऊर्जा है, उसको हमें सकारात्मक ऊर्जा में बदल के सदा के लिए ठीक कर देना है, उसका भी जन्म सुधार देना है और अपना भी जन्म सुधार देना है। लेकिन अंग्रेज तो कमीना था, वो हिंदू भी कमीने हैं जो अपने ही धर्म अपने ही सनातन रीतियों के खिलाफ है, मतलब मुस्लिम भी जिन जिन्नात निकाले वो भी शैतान निकाले, क्रिश्चियन भी, लेकिन हिंदू अगर प्रेत निकाले तो उसका मजाक उड़ा, उसका मखौल उड़ा, ठीक है। मुझे उन मजाक उड़ाने वालों की, उन मखौल उड़ाने वालों की ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जो भी कहते हैं प्रेत नहीं है वो यहाँ आए, और जैसी सरदार जी की हालत है ऐसी हालत अपनी करवा के चला जाए, क्योंकि ऐसी हालत में उसकी 4 साल के अंदर कर दूँ, बस अपना नाम गोत्र पता लिखवा जाए और साथ में एक साइन दे के चला जाए, साथ में कोरे कागज पे एक साइन दे के चला जाए कि मुझे जो है प्रेत बाधा से ग्रसित कर दिया जाए, और अगर उसको कभी कुछ होता है तो वो मुझ पे केस करने का अधिकारी नहीं है, कुछ भी करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि स्वयं उसने अपनी मौत मांग रहा है वो अपनी मुझसे, ठीक है कि नहीं। ये मौत मृत्यु तुल्य है कि नहीं सरदार जी, ये अवस्था अगर हम प्रेत के साथ जीते हैं तो मृत्यु तुल्य ही जीते हैं। आप कितने घंटे कुर्बानी पढ़ सकते हैं बताइए मुझे, बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, सतनाम श्री वाहिगुरु आँख बंद करके ये 21 बार मन ही मन में बोलना, मन ही मन दिल ही दिल में, जीव नहीं उठनी चाहिए आपको, जीव नहीं मुंह नहीं हिले, बोलो शनिदेव महाराज की। आपके होंठ आपकी जीभ हिल रही है, आप मुंह से बोलिए, मन ही मन बोलिए, ख्याल ही ख्याल में, अंतर ही अंतर। अगर ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं, दिल ही दिल का पता नहीं है, मन ही मन का पता नहीं है, तो ऐसे बोले तो फिर ऐसे बोले, बताइए क्या हुआ सरदार जी, सर भारी हुआ, भारी हुआ कि नहीं हुआ सर, भारी हुआ सर, भारी हुआ, कुछ दबाव से बढ़ा, दबाव क्यों बढ़ा पता है, क्योंकि कोई भी आपके अंदर प्रेत का तत्व है, निगेटिविटी है, ठीक है, पितृ दोष है, प्रेत दोष है, श्राप है, नजर दोष है, वो आपके सर पे आएगा, फौरन आपके बाहर बढ़ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि प्रेत है, आप हो सकता है डगमगाने लग जाओ, आप हो सकता है आपकी हाजिरी आने लग जाए, आप हो सकता है आपका शरीर का भार बढ़ जाए, फिर आपको चंभाई आने लग जाए, थोड़ी देर बाद आपका मुंह खुलने लग जाए, थोड़ी देर बाद आपको आंखों में आंसू आने लग जाए, ये पहचान है प्रेत बाधा की, कर लो पहचान रे भारत वालो, कर लो पहचान, ना तो वरना भरतवंशी हो तुम्हारे मुख पर ये कालिक पूछ जाएगी, तुम्हें सबको प्रेतों ने मार दिया। बड़ा परम पूज्य मनु भैया जी की।